हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मैं अंजना गोपी आप सभी का सिंपली एंड ब्लिसफुल ब्लॉग्स में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अभी समय हो चुका है ठाकुर जी की मंगल आरती का और पीछे आपको गेट्स पे कपड़े दिख रहे होंगे और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बारिश जो है वो कल से स्टार्ट हो रखी है, रुक रुक के हो रही है और ठंड जो है वो एक्सट्रीम हो गई है एक्चुअल में। और बच्चों के स्कूल चल रहे हैं लेकिन आज मैं राधिका को नहीं भेजूंगी क्योंकि इस ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा ही है। और बस मैं अभी करूंगी ठाकुर जी की आरती। और आप सभी कैसे हैं और आपके यहाँ पे कैसे कैसे वेदर चल रहा है, ठंड है या फिर गर्मी चल रही है या बहुत अच्छा मौसम है, तो आप शेयर कीजिएगा। और बस और आज का दिन जो है आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, जो जो करूँगी आप सभी के साथ मैं शेयर कर दूँगी। और आपको पता है कि मैं अभी कोशिश कर रही हूँ, मतलब मेरा प्रयास है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम जो है ठाकुर जी की मंगल आरती स्टार्ट कर लेते हैं। और ये जो इधर वाला जो रूम है, मतलब मीन्स जहाँ पर मैंने ये टॉवल तो अभी थोड़ी देर पहले टांगा था क्योंकि हवा लगना भी ज़रूरी है। और वो वाले रूम में तो पूरा जो है वो लॉन्ड्री रूम बन गया है, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में एक लॉन्ड्री रूम होता है ना, जहाँ पे वॉशिंग एरिया कहते हैं। वॉशिंग एरिया तो नहीं है लेकिन हाँ वहाँ पे सुखाने वाला ड्राइंग एरिया तो ज़रूर है। और टांग दिए हैं, सब सूख जाते हैं और जो सूखते जाते हैं वो मैं एक जगह रखती जाती हूँ और फिर एक साथ ही फोल्ड कर ले रही हूँ। तो आजकल यही चल रहा है। और अभी मैंने ठाकुर जी के वस्त्र नहीं बदले हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इतने मतलब एकदम कोजी कोजी उसमें लग रहे हैं, वो तो मैं अभी दिन में ही ठाकुर जी के वस्त्र जो है चेंज करूँगी। तो चलिए आकर के जो है हम मंगल आरती स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। हरे कृष्णा जगत गुरु शील प्रपात की जय, गौर भक्तविंद की जय। तो आप सभी को हरे कृष्णा। और आप सभी ने देखा कि अभी ठाकुर जी की जो है मंगल आरती हो चुकी है और अभी हम फिर से जो है ठाकुर जी की जो हरि नाम जप करेंगे। और यहाँ पर उससे पहले मैं पढ़ूंगी एक भागवतम का श्लोक। और आप चाहें तो आप भी जो है मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए एक श्लोक या एक पेज पढ़ने की एक अच्छी आदत बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कौन सा श्लोक जो है वो रीड कर रही हूँ। तो चलिए अभी हम इस व्लॉग को और आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अभी हम सभी साथ बैठकर जो है हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यहाँ पर हमारे जो सारी की सारी माता जी जो कि ऑनलाइन है वो सब भी जो है जप कर रही हैं। और आज के दिन जो है मैंने इवनिंग में बनाया था ये बहुत ही डिलीशियस नूडल्स और इसका मैंने शॉर्ट्स डाला था सिंप्लीफाई विद अंजना गोपी पे। और एक और जो मैंने उस दिन रेसिपीज बनाई थी वो थी ये सारी की सारी, और ये भी मैंने शॉर्ट्स आप सभी के साथ में दूसरे चैनल पर शेयर कर दिया है। तो चलिए ये कुल्थ की दाल बनाई है तो किसको किसको पता वो बताना। और जैसे कि मैंने सुबह आपसे डिस्कस किया था तो थोड़े कपड़े जो है वो सूख चुके हैं और कुछ कुछ जो है वो अभी भी ऐसे सीले सीले से रह गए, तो उनको मैं इस तरह से जो ये स्टैंड है वो अंदर ले आती हूँ
अपनी बालकोनी में से और ऐसे अंदर फैला देती हूँ ताकि इनमें स्मेल भी ना हो और धीरे धीरे करके ये सूखते रहें, क्योंकि कॉटन के जो कपड़े हैं वो सूखने में टाइम लगता है और वूलन्स तो फिर भी उससे थोड़ा सा जल्दी ही सूख जाते हैं। तो चलिए अभी ये मैं इवनिंग के समय पे ये सब कर रही हूँ ताकि जो है एकदम सॉर्टेड रहे, मॉर्निंग में उठूँ तो ऐसे कपड़े बिखरे बिखरे ना रहें। और बाकी जो कपड़े सूख गए वो मैंने एक तरफ नीचे डाल दिए हैं। तो बस अभी जो है राधिका यहाँ पर कर रही है आरती, आप सभी कर लीजिए ठाकुर जी के दर्शन। तो बस आज का ब्लॉग थोड़ा सा छोटा था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पर आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश आ रही है और बारिश आने से ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। और आज का ब्लॉग छोटा था, मैं आपसे फिर से क्षमा चाहती हूँ, लेकिन जो भी मैंने जिस दिन शूट किया मैं उसी दिन सेम डे पे जो है आप सभी के साथ जो शेयर कर देती हूँ। तो चलिए बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगी रहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।